खबर का इंदौर से मिल रही है। सांवेर हाईवे पर पुलिस की कार्रवाई, महाराष्ट्र से लखनऊ ले जाए जा रहे थे लोगों को पकड़ा है। आपको बता दें कि सीमेंट के ट्राले में छुपाकर लोगों को ले जाया जा रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र से लखनऊ ले जाए जा रहे लोगों को पकड़ा है और मामला पूरा इंदौर का है, जहां सांवेर हाईवे पर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। महाराष्ट्र से लखनऊ ले जाए जा रहे थे लोग जिनको पकड़ा गया है, सीमेंट के ट्राले में छुपाकर लोगों को ले जाया जा रहा था। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीमेंट का ट्रक है जिसमें लोग भरे हुए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से होल से बाहर मजदूर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र वैसे ही हॉटस्पॉट बना हुआ है, सबसे ज्यादा जो मरीजों का आंकड़ा है वो महाराष्ट्र से ही सामने आया है। बावजूद इसके इस तरह से वहां से छुपाकर मजदूरों का लाना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही तो दर्शाता ही है और खतरे को भी ये पैदा करता है। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रक में लोग छुपकर बैठे थे और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार मजदूरों की तरफ से गुहार लगाई जा रही है, वे अपने घर जाने के लिए परेशान है। आपको बता दें कि पहले कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी जहां लोग पैदल ही अपने घर के लिए निकल गए थे, अब मजबूरन उन्हें सीमेंट के ट्रक में बैठकर आना पड़ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता अजहर शेख जुड़ गए हैं। अजहर, सीमेंट के ट्राले में मजदूर छुपकर आए, एक तो ये मजदूरों जो लगातार लोग सरकार से गुहार लगा रहे थे कि उन्हें वापस अपने घर लाया जाए, बावजूद इसके उनकी सुनवाई नहीं हुई, एक तो ये बात भी दिखाता है और साथ ही जो महाराष्ट्र हॉटस्पॉट बना हुआ है, अगर वहां से इस तरह से मजदूर छुपकर आते हैं तो ये कहीं ना कहीं मुसीबत भी और कहीं ज्यादा बढ़ा सकता है। देखिए साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि इंदौर ट्रैफिक पुलिस लगातार हाईवे पर इस तरह की नजर रखे हुई कि जो मजदूरों को छुपा के लाया जा रहा है, कुछ अलग अलग तरीकों से लाया जा रहा है। जहां पर एक ट्राले जो मशीन होती है सीमेंट की, उसको रोका गया था, जहां पर जब चेकिंग की गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि उसमें जो मजदूर हैं, जो लोग थे वो भरे हुए थे, जिनको एक एक कर आप विजुअल में देख सकते हैं निकाला गया था। जहां से फिलहाल में उनको तभी क्वारंटाइन जो है एक रेस्ट हाउस में भेजा गया, वहां से राधा स्वामी आश्रम भेजा जाएगा, लेकिन जो चालक है जो कंटेनर उसको जब्त कर फिलहाल में पुलिस ने कार्रवाई की। बिल्कुल ये बात सत्य है कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा ही संक्रमण फैला हुआ है, जहां पर इंदौर में भी अगर इस तरह के जो लोग आते हैं उनको रोका जाता तो एक बहुत बड़े खतरे की बात हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे फिलहाल में जो सारी चीजें जो चालक थे पुलिस पूछताछ कर रही है। जी अगर मजदूरों की तरफ से क्या कुछ कहना है, क्योंकि इससे पहले जो पैदल निकले थे अपने घर को, उनका कहना था कि हमें खाना तक नसीब नहीं हो रहा था जिसके चलते मजबूरन घर आना पड़ा, इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? देखिए फिलहाल मजदूर की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने तो नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं गर्मी का एक बड़ा तापमान है और जहां पर पोकलिन मशीन में जो अंदर जो मशीन में भरा जा रहा था, क्योंकि फिलहाल में ये भी एक बहुत बड़ी उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी मौत से भी खिलवाड़ हो रहा था, फिलहाल में उनकी ओर से तो कोई अभी एक बयान नहीं आया। पुलिस ने उनको सुरक्षित गेस्ट हाउस भेजा गया, वहां से राधा स्वामी आश्रम भेजा जाएगा, लेकिन फिलहाल में जो सारी जो चीजें हैं, जो सारी बातें हैं, जो सारी जांच आला अधिकारी तक पहुंचा दी गई है, वहां पर ही फिलहाल में चालक से और पूछताछ की जा रही है कि उनको कहां से क्या हुआ था। जी अगर इस मामले से एक और बड़ी जो लापरवाही देखने को मिली है कि महाराष्ट्र से मजदूर इंदौर तक पहुंच गए, इस बीच कहीं भी चेकिंग नहीं हुई क्या? देखिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात हमारा भी प्रश्न सवाल प्रश्न बना था, लेकिन इंदौर पुलिस की एक सतर्कता मानना चाहिए, क्योंकि तो कुछ दिन पहले ही डीआईजी ने कहा था कि देश में सबसे बड़ा ज्यादा पालन लॉकडाउन करवाया जा रहा था, इंदौर में करवाया जा रहा था, तो बिल्कुल ये बात सत्य है कि इंदौर की जो पुलिस की जो कार्रवाई है बिल्कुल उन्होंने रोका, क्योंकि अगर इंदौर से भी ये ट्रक अगर क्रास होता तो जाहिर बात है आगे और कहीं उज्जैन जाता, उज्जैन के आगे और कहीं होता तो बहुत बड़ी लापरवाही थी, लेकिन इंदौर पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता तो बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि ये कहाँ का चेकिंग पॉइंट हुआ, इस बात को लेकर आला अधिकारी भी तफ्तीश कर रहे हैं। जी चलिए अगर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो करते हैं अगली खबर का।